योगाभ्यास को आगे बढ़ाया और लोकप्रियता चरमोत्कर्ष पर है। इसकी मिसाल, इसकी झलक हम यहां देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से स्वयं को नजदीक लाने की, पाने की कोशिश, जो योग साधक हैं वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं इससे। इट इज सेड इट ओनली टेक्स अ क्राई इन द विल्डनेस टू स्टार्ट एन एवलॉन्च एंड इट वाज वन मैन हु डिसाइडेड टू ब्रिंग योगा ऑन द वर्ल्ड स्टेज एंड दिस हैज बीन एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ व्हाट स्टार्टेड इन 2014 द फिफ्थ International Day of Yoga, where thousands of people from all walks of life and all ages practice yoga for a better life, for better health, and for spiritual growth. And the inspiration has been this gentleman on the screen, the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi. The crowd's ecstatic to shake hands with him, to come up close to him. These are going to be memories of a lifetime for these youngsters. यकीनन उन सभी युवाओं के लिए, उन सभी रांची के निवासियों के लिए, झारखंड के निवासियों के लिए, देशवासियों के लिए एक अविस्मरणीय, कभी न भुलाने वाला ये अवसर है, जब देश के सर्वोच्च नेतृत्व को इतना करीब पा रहे हैं और वो भी पूरे दिल से, पूरे समर्पण से। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जिस अंदाज में बच्चों का, युवाओं का, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों के चेहरों पर जो उत्साह है, जो उमंग है, उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर स्पष्ट पढ़ा जा सकता है। एंड इन द एरा ऑफ मोबाइल टेलीफोन्स, सेल्फीज आर अ मस्ट। वेरी सून देयर विल बी सेल्फी आसन्स एज वेल। Bright smiles after a very good session of yoga with the Honorable Prime Minister for these people. So it's been a double joy for them, a good session of yoga, and then to be so close to the Honorable Prime Minister. Who could have thought this could happen? हर कोई चाहता है योग साधकों में से कि वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करीब पहुंचे, उनके साथ उनकी एक फोटोग्राफ हो, सेल्फी का मौका मिले और शायद जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षण है उसे जी रहे हैं ये सभी योग साधक। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने करीब पा करके, हालांकि जो व्यवस्था से जुड़े लोग हैं उनके लिए थोड़ा ये चुनौतीपूर्ण अवसर है। Yes, but for the people who are shaking hands with the Prime Minister, these are memories that they will tell their children and grandchildren, that there was a day when they shook hands with the Prime Minister of India, Prime Minister obliging all the people who are present here. BKS has said for me, yoga is not just a workout, it's about working on yourself. And the Prime Minister inspiring millions of people across the world to work on themselves. योग से स्वास्थ्य, योग से लंबी आयु, योग से बल, योग से सुख और योग से प्रसन्नता। जो योग साधक हैं, युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं, समाज के हर वर्ग से पहुंचे हुए लोग रांची के भारत तारा मैदान पर, निश्चित तौर पर प्रभात तारा मैदान आज जीवंत हो उठा है इन दृश्यों से जो हम आप टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं। हर व्यक्ति की इच्छा है, तमन्ना है, अभिलाषा है कि वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के समीप पहुँचें और पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को पूर्णता प्रदान करें। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय पूरे धैर्य के साथ, प्रसन्नता के साथ इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि किसी को निराशा न हो, जितने लोगों से वो हाथ मिला सके, जिनका अभिवादन कर सके, जिनका सही अर्थों में वो शुक्रिया अदा कर सकें,
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को रांची में आज कामयाब बनाया है, सफल बनाया है, परिणति तक पहुंचाया है। निश्चित तौर पर इस आयोजन से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े सभी लोग बधाई के पात्र हैं। That's absolutely right. And in his address to United Nations in 2014, Modi ji had said, "Yoga is an invaluable gift of India's ancient tradition. It embodies the unity of mind and body, thought in action, restraint and fulfillment, harmony between man and nature, a holistic approach to health and well-being. It is not about exercise, but to discover the sense of oneness within you." He had called out to the world to follow the path of yoga, and the world responded.